पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी की सरकार बनने के बाद पंजाब में लगातार जनहित के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार लोगों के हित के लिए योजनाएं बना करके उन्हें लागू कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने सतलुज जल बिजली निगम से समझौता किया है। समझौते के बाद पंजाब में बिजली की दरों में और भी ज्यादा कमी आएगी, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। विधायक बरिंदर गोयल ने लहरगागा में सड़कों के निर्माण कार्य की शुरुआत की है। इस दौरान विधायक बरिंदर गोयल ने कहा है कि लहरगागा के साथ साथ मूनक और खनौरी में 12 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। विधायक बरिंदर गोयल ने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही होने नहीं दी जाएगी, और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सीमित समय में निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध और ब्यास नदी के पौंग डैम से फ्लड गेट खोले जाने की वजह से पंजाब में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। श्री आनंदपुर साहिब, होशियारपुर, गुरदासपुर समेत कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। श्री आनंदपुर साहिब के कई इलाकों में बाढ़ के बाद यहां सेना की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ के हालातों को देखते हुए सीएम भगवंत मान ने अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। भाखड़ा डैम लगातार सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद मोगा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां सतलुज किनारे बसे करीब 3 गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जल भराव की वजह से लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि अब तक हुए जल भराव की वजह से गाँव को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई जल भराव के बाद कई घर गिर गए हैं, और जिसकी वजह से लोगों को बेघर होना पड़ा। ब्यास नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से गुरदासपुर में धूसी बांध टूट गया है। बांध टूटने से जगतपुर टांडा के भैन पसवाल क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से गुरदासपुर के 50 से ज्यादा गांव पर असर इसका पड़ा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे ब्यास नदी के किनारे बसे कई इलाकों में पानी भर जाने से हालात बेकाबू हो गए हैं। गुरदासपुर में मुकेरिया रोड पर स्थित ब्यास नदी के किनारे बसे 10 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। इस बीच प्रशासन, एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने यहाँ मोर्चा संभालते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। हिमाचल में बारिश के बाद पंजाब की कई नदियां उफान पर हैं। इस बीच तरनतारन में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। यहां पर कई जगहों पर जल भराव हुआ है, जिसकी वजह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही सेना के जवान ने भी राहत कार्य में मदद शुरू कर दी है। श्री हरगोबिंदपुर के गांव धीरोवाल में बरसाती नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। प्रशासन की टीम ने वीरवार सुबह दोनों बच्चों के शव बरामद किए हैं। श्री हरगोबिंदपुर के डीएसपी राजेश कक्कड़ ने बताया कि बुधवार शाम को 13 वर्षीय दिलप्रीत और 14 वर्षीय जसकरण पास ही के बरसाती नाले में पानी देखने गए थे। इसी दौरान दोनों का पांव फिसलने से वो पानी में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। गुरदासपुर में पूर्व बीएसएफ जवान लश्कर सिंह और उनकी पत्नी के हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते लश्कर सिंह और उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना में चाइनीज मांझे के गले में फंसने से बाइक सवार का गला कट गया है, जिसके बाद लोगों ने घायल राजेश
सिंगला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसके गले पर करीब 60 डाके लगे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। घायल राजेश सिंगला के मुताबिक वो बाइक पर किसी काम से जा रहा था कि तभी अब्दुल्लापुर बस्ती इलाके में 44 मांझे से उसका गला कट गया और जैसे ही मांझा उसके गले में फंसा उन्होंने तुरंत बाइक रोक दी, लेकिन तब तक गला काफी कट चुका था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि 44 मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।